नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे B6 और B6 ऑप्शनल जो वेरिएंट्स आते हैं बलेरो गाड़ी के, बेहद लोकप्रिय गाड़ी है। दोनों वेरिएंट्स के एक्चुअल प्राइस में मात्र 48,000 रुपए का फर्क है। तो टॉप ऑफ द लाइन ऑफरिंग जो ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें एक्स्ट्रा फीचर आपको आखिरकार मिलते क्या है, यही जानने का हमारा उद्देश्य है। अंत तक जुड़े रहें, बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी आपको कि कौन से वाला वेरिएंट आपको परचेज करना चाहिए। फ्रंट से लुक देखेंगे एक बार में तो एक लगेगा आपको कि बिल्कुल कॉमन लुक है, कोई भी फर्क देखने को मिलेगा नहीं। फोग लैंप अब नहीं मिलते हैं आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होने के बावजूद भी। काफी बड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप का आपको सेटअप मिलता है हेडलैम्प के तौर पे, जिसके अंदर एक पोजिशनिंग लाइट है, इंडिकेटर के लिए बल्ब है, और एक एक्स्ट्रा मिलेगी आपको जो कि B6 ऑप्शन में मिलेगी, वो है स्टैटिक बेंडिंग लाइट। यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं ऑप्शन आप, ये ऑप्शन आपको B6 जो नॉर्मल वेरिएंट आता है उसमें नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ डमी दिया गया है ये, बाकी लाइटें सब कुछ एग्जैक्टली सेम रहेगी। सेम ग्रिल है, सेम एक्स शेप का आपका फ्रंट के बम्फर दे रखा है। काफ़ी शानदार और माचो गाड़ी है दोस्तों ये। अगर टायर साइज की बात की जाए तो वो भी एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा आपको। 15 इंच का स्टील रिम मिलता है और काफ़ी चंकी रबर का साइज रहेगा, 215/75%। तो 75% थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस पर लिख भी रखा है हाई परफॉर्मेंस थ्रेड, इसका मतलब ये है कि हर प्रकार के रिश्ते को ये वाला टायर आसानी से टैकल कर सकता है। यही टायर आपको सेम टू सेम B6 में मिलेगा जो कि मिडिल वेरिएंट है, 215/75R15। ब्लैकआउट रिम किए गए हैं, इसके ऊपर आपको कवर जरूर मिलता है। तो ज़्यादा यदि अलॉय व्हील के फैन नहीं आप तो सिंपल कवर लगाइए और मजे कीजिए। एक्सटेंडेड आपको देखेंगे व्हीलर्स मिलती है यहाँ पर, एक काफ़ी माचो लुक तो देती ही देती है। साथ में थोड़ी बहुत जो मिट्टी उड़ती है टायरों से वो भी यहीं पर स्टिक डाउन हो जाती है आपकी, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती है। दोनों ही गाड़ी में आप देखेंगे साइड स्टेप मिलती है आपको, हालांकि टॉप वेरिएंट में भी इंस्टॉल नहीं की गई है, स्टॉकयार्ड में गाड़ियाँ खड़ी हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि गाड़ी की हाइट अच्छी है ना दोस्तों, 180mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बेहतरीन हो जाती है, और गाड़ी का जो पूरे तरीके स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी ऊंचा रेज्ड अप है। तो थोड़ा सा बुजुर्ग बंदों का खासतौर पर क्लाइम करने में दिक्कत ना, इसलिए आपको फुल फुट स्टेप दे रखे हैं बाई डिफॉल्ट। पीछे आपको लिफ्ट स्प्रिंग मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, देखिए, और आगे सिंपल आपको कॉइल सस्पेंशन मिलेगा यहाँ पर। तो ये भी अच्छी बात है, अच्छी राइड क्वालिटी गाड़ी की। ये बड़ी टफ गाड़ी है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है ये, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका काफ़ी रफ एंड टफ काम रहता है। आपको रिविट्स वाले डोर मिलते हैं, इसकी थड़की आवाज़ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त आएगी, देखिए बिल्कुल टैंक वाली फीलिंग आएगी। दोनों ही गाड़ियों में एक्जैक्टली सेम चीज़ें हैं, ग्राफिक्स वगैरह देखिए कोई भी फर्क नहीं है B6 में और B6 ऑप्शनल में। फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर मिलेंगे आपको, ये भी दोनों वेरिएंट में एक्जैक्टली सेम है। आपको पुराने ज़माने की याद ताज़ा करने वाला एंटीना मिलता है, काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी कैच करता है ये। तो धर्मेंद्र की फिल्म देखने जो इतनी पड़ेगी, इस गाड़ी को देखते ही उससे आप एक दूसरे लिंक कर सकते हैं। बॉडी कलर में आपको ORV मिलते हैं दोनों गाड़ियों में, ये मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे और फोल्ड एंड फोल्ड करने पड़ेंगे, किसी प्रकार की कोई भी सेटिंग इलेक्ट्रिकली नहीं आती है। ये जो प्लास्टिक की क्लैडिंग देख रहे हैं ना, फ्रंट से होती है बैक तक जाती है, बड़ी शानदार प्रतीत होती है दोस्तों। ये दोनों मॉडल में आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगी, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं है। अब पीछे तरफ बढ़ते हैं, पहले एक बार दिखा दूँ मैं आपको, आइडिया लग जाएगा, वेरीफाई हो जाएगी मेरी बात। बलेरो B6 BS6 वर्जन, और दूसरी जो गाड़ी मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको उसका भी एक बार वेरीफाई करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर बलेरो B6 ऑप्शनल BS6, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यही वाला है दोस्तों आपका। यहाँ पर ये जो आपको देख रहे हैं 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है डीजल के लिए, ये कैब दोनों तरफ मिलेगी, और आपको देखिए इधर भी है। यहाँ पर आपको यूरिया एड ऑन करना पड़ता है, उसकी जो ओपनिंग है वो अंदर से होती है, इसकी ओपनिंग करने के लिए आपको पीछे का रुख करना पड़ेगा। यहाँ पर एक लीवर दे रखा है, ये वाला ब्लैक देख रहे हैं आप, इसको जैसे पुल करेंगे आप तो ये आपका यहाँ से ओपन हो जाता है। देखिए इसके ऊपर मेंशन भी कर रखा है, एड ब्लू बोल देते हैं इसको टेक्निकल भाषा में। पीछे का स्पेस काफ़ी शानदार है, बाद में दिखाऊंगा, एक बार रियर से व्यू दिखाता हूँ पहले गाड़ी का, आपका टॉप वेरिएंट का कैसा मिलता है आपको और मिडिल वेरिएंट में कैसा मिलता है। आपका रियर के ऊपर दोनों में जो स्पेयर व्हील उसको इंस्टॉल किया गया है, टेल गेट के ऊपर सेम साइज़ का सेम डायमेंशन का मिलता है। इसके ऊपर कवर ही मिलता है जो भी इंस्टॉल नहीं किया गया है, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। और ऐसा इसमें टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलता है आपको, क्रिस्टल क्लियर आपको टेल लैंप का सेटअप मिलता है। दोनों वेरिएंट में एक्जैक्टली सेम मिलेगा दोस्तों, मैंने लाइट ऑन कर रखे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, हालांकि सनलाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तभी समझ पाएंगे आप। काफ़ी शानदार है दोस्तों, अच्छा प्रतीत होता है ये, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको, ब्रेक लाइट भी, इंडिकेटर के लिए बल्ब भी, और रिवर्स गियर के लिए भी। ये एक्जैक्टली सेम है, कोई भी फर्क नहीं है आपको। पीछे पार्किंग सेंसर दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे, कैमरा दोनों में से किसी में नहीं मिलता है। बलेरो के पूरे लाइनअप में आपको कैमरा नहीं मिलता है,
बाद में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं आप। दोनों वेरिएंट में आप एग्जैक्टली आपको बोलेरो B6 की बैजिंग मिलेगी। ऑप्शनल के लिए अलग से कुछ बैजिंग नहीं मिलती आपको, तो बड़ी बारीकी से यदि जानकारी आप रखते हैं तभी पहचान पाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। पीछे वाइपर वाशर मिलता है आपको, सिर्फ टॉप वेरिएंट B6 ऑप्शनल में मिलेगा, ये B6 में नहीं मिलता है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर नहीं मिल रहा है आपको। सिंपल प्लेन ग्लास मिलेगा, डिफोगर नहीं मिलता है पूरी बोलेरो के लाइनअप में कहीं पर भी। डिफोगर की कीमत वही जान सकते हैं जो खासतौर पर फोगी सीजन वगैरह में गाड़ी चलाते हैं ना, तो पीछे वाले शीशे पर कई बार जो धुन जम जाती है तो उसको सारे से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इशू भी नहीं है दोस्तों ये। अब ओपन करते हैं इसका पीछे वाला गेट। इसकी जो ओपनिंग है मैं ये तो नहीं बोलूंगा बिल्कुल ये वाइड ओपन होता है दोस्तों, लेकिन ये है कि काफी स्पेस आपके सामने एक्सेस करने के लिए बच जाता है, आसानी से आप अंदर बैठ सकते हैं उतर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी यहाँ पर भी एक आपको फुट स्टेप मिलती है जो कि इस वेरिएंट में भी इंस्टॉल नहीं की गई है, वहां पर की गई है। देखिए इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये क्लाइम करने में काफी ज्यादा काम आती है आपके। ये देखिए सीटें जो फैब्रिक की क्वालिटी है, पहले मैं बता दूं दोनों वेरिएंट्स में एक्जैक्टली सेम मिलेगी, सिर्फ B4 में थोड़ी सी हल्की मिलती है ग्रीन शेड की, बाकी बेज कलर की मिलेगी आपको B6 में और B6 ऑप्शनल में, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये वाला कवर की बात कर रहा था मैं, देखिए इसने इसके लुक में 4 चांद लगा दिए दोस्तों। इस लोगों ने जो चेंज हुआ है ना वो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है, बहुत प्रीमियम ऑफरिंग करता है ये। 183 का बूट स्पेस मिलेगा आपको यदि ये सीटें आपने ऑक्यूपाई कर रखी, इसमें बंदे बैठे फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यदि ऐसे फोल्ड कर देंगे तो थोड़ा सा और जगह बच जाती है। हालांकि इसके ऊपर आप कैरी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लगेज उसके ऊपर रख पाएंगे आप। यही चीज मैं एक बार आपकी B6 में दिखा देता हूँ वहां क्या मिलता है आपको, वेरीफाई हो जाएगी मेरी बात। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सीटें मिलती हैं आपको और सेम फैब्रिक है और सेम पीछे कवर मिलता है आपको। इसके अंदर आपके रखे हुए हैं बॉक्स के जो टायर के ऊपर कवर लगते हैं ना, मैं फोटो के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि लुक कैसा होता है उसका। अब बात करते हैं रियर सीट से कंपेरिजन की, तो पहले B6 का मैंने खोला है, ये सिंपल B6 आपका मिडिल वेरिएंट। तो यहाँ पर कप होल्डर की या बोटल होल्डर की मिसिंग आज भी है, थोड़ा सा आजकल का जो जमाना है मॉडर्न हो चुका है तो यहाँ पर बोटल होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। हालांकि इसका एक फेसलिफ्ट ड्यू है, देखते हैं वहाँ तक तो कुछ अगर इंप्रूवमेंट कर पाता है महिंद्रा। सभी पावर विंडो मिलते हैं, उसके लिए कंट्रोल रहेगा, लोकल लॉक करने के लिए बीच में टॉगल है आपका। दोनों ही गाड़ियाँ सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती हैं विद रिमोट, चाबी मैं भी दिखा दूंगा आपको। ये ओपनिंग करने के लिए लीवर आपका, काफी स्क्वेयर साइज का ग्लास है और इसकी शॉर्ट लाइन भी ऊंची नहीं है, तो अंदर बैठने के बाद बाहर का नजारा बड़ा शानदार मिलता है, काफी अच्छा भी मिलता है। इन सीटों का लेआउट देखिए बिल्कुल फ्लैट है, 3 बंदे इस गाड़ी में आसानी से बैठ सकते हैं दोस्तों, कोई मशक्कत उनको ज्यादा करनी नहीं पड़ेगी। बीच में एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसपे कप होल्डर बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको। तो इसी चीज को कंपेयर करते हैं B6 ऑप्शनल के साथ कि वहां क्या मिलेगा। देखिए सेम कलर का इस्तेमाल किया गया है, मैं साइड बाय साइड दिखा भी दूं आपको, दोनों वेंट्स में कोई भी फर्क नहीं है डोर पे, सेम कलर वगैरह इस्तेमाल किया गया है और सेम प्लास्टिक क्वालिटी का। ये आपका चाइल्ड लॉक है, यदि आप इसको अप्लाई कर देंगे ऐसे तो अंदर से कोई भी बंदा इस डोर को खोल नहीं पाएगा, जैसे बच्चे वगैरह बैठ जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी चीज़ हो जाती है। तो सभी गाड़ियों मिलता है हालांकि आपको, ये सेम लेआउट है, सेम बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, कोई भी अलग फीचर फंक्शन B6 ऑप्शन में B6 के मुकाबले नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं ड्राइवर सीट की, जो सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल नहीं मिलती है, सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं और इसका रिक्लाइन एंगल आप चेंज कर सकते हैं। हालांकि वाइड काफ़ी हैं, बोल्स्टिंग तो नहीं मिलती है ना ही थाई के लिए और ना ही शोल्डर के लिए, लेकिन जिस मकसद के लिए गाड़ी बनाई गई है कंफर्ट के लिए, रफ एंड टफ के लिए, उस पर सीटें बिल्कुल सही तरीके से खरी उतरती हैं। अगर अंडर थाई स्पेस की बात की जाए 5'10" 5'11" तक का बंदा आसानी से अंडर थाई स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मशक्कत नहीं करेगा या दिक्कत महसूस नहीं करेगा। उससे ज़्यादा लंबे यदि आप हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको अंडर थाई स्पेस की कमी महसूस हो। अब ये की मिलती है आपको, देखिए दोनों गाड़ियों में लॉक अनलॉक और बीच में एक स्टार का जो बटन है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इसको दबाएंगे तो गाड़ी की जो इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं और आसानी से आप गाड़ी को पहचान पाएंगे यदि कैसी जगह खड़ी है जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। दूसरे वाली आपको फ्लिप की मिलती है, लेकिन ये डमी बटन है, ये काम नहीं करते हैं दोस्तों। इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये अच्छी इंप्रूवमेंट लगी मुझे बोलेरो में, जो चाबी क्वालिटी इंप्रूव की गई है। यहाँ पर हेडलाइट लेवल के लिए स्विच मिलता है, यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप। जो पेडलों के बीच की स्पेसिंग है वो भी डिसेंट है, लेकिन डेड पेडल अभी भी मिसिंग है दोस्तों, ये मिलना चाहिए था। और ये जो स्टेयरिंग व्हील है किसी प्रकार के टिल्ट या टेलीस्कोपिक जो सेटिंग है उसको सपोर्ट नहीं करता है। मिलने आपको नया डिजाइन वाला मिल गया है, नया लोगो है। अब इसके अंदर बैठ के और बाकी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। इसका पूरे तरीके से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टॉगल दे रखा है, इसको जैसे मैं दबाऊंगा, अभी आप ट्रिप टाइम देख रहे हैं ना, 2 घंटे और 10 मिनट की गाड़ी ट्रिप में दिखा रही है। और ये है इसका TPMS, फ्रंट टायर का और रियर टायर का।
बिल्कुल सही सुना आपने, TBMS मिलता है दोस्तों आपको। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है कि टायर में कितनी हवा है, क्योंकि उससे एवरेज में फर्क पड़ता है और कंट्रोल में फर्क पड़ता है। ये नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो मिलने लग गया महिंद्रा के द्वारा, इस पर कोई बैजिंग नहीं है। ये ब्लूटूथ वगैरह को सभी प्रकार की सेटिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक म्यूजिक के लिए है, एक आपका चार्जिंग के लिए है। तो दो USB पॉइंट दे रखे इसमें दोस्तों, ऑक्स के लिए अलग से दे रखा है। अच्छी क्वालिटी का अब लगता है, इस गाड़ी से बिलोंग करता ही है। जो कैनवुड वाला था थोड़ा सा आफ्टर मार्केट का फीलिंग देता था। AC मिलता है आपको मैनुअल, यहाँ पर आपको डिफोगर मिलता है फ्रंट के शीशे के लिए दोस्तों। ये 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, 5 स्पीड का गेयरबॉक्स है। इसकी शेप भी चेंज कर दी गई अब, हालांकि थोड़ा हिलता जरूर है स्टार्टिंग में। कुछ स्पेस यहाँ मिलता है आपको। पावर विंडो जो कंट्रोल हो फ्रंट में बीच में दिए गए हैं हैंड ब्रेक के पास। दो छोटे कप होल्डर रहने वाले हैं। दो एयरबैग मिलते हैं, ABS मिलता है आपको सेफ्टी के लिए। जो ग्लो बॉक्स है वो छोटा है दोस्तों, सिर्फ छोटा मोटा सामान रख पाएंगे आप, ज़्यादा कुछ फीचर फंक्शन उसमें मिलते नहीं हैं। और जो डोर है डस्टिंग के लिए क्लॉथ वगैरह रख पाएंगे आप, ज़्यादा कुछ यूटिलिटीज की हो नहीं पाएगी दोस्तों। अगर सनवाइजर की बात करूँ तो बिल्कुल प्लेन है दोस्तों, ऊपर वाले का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, एक बार जरूर लिख रखें, अगर बच्चा बैठा है तो उसका फेस सामने तरफ रखें, पीछे तरफ करके ना बचें, दिक्कत हो सकती है अगर एयरबैग डिप्लॉय होगा तो। ये ब्लूटूथ के लिए माइक रहेगा आपका। ये आपको सिंगल लाइट मिलती है जो आप मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ डोर के साथ भी ऑपरेट होती है। इसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि वहाँ एक्स्ट्रा आपको मिलता क्या है B6 ऑप्शन में। ये आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है दोस्तों, जो की फोबे देखिए एग्जैक्टली सेम है। एक डम्मी वाली है और एक रिमोट वाली चाबी है। ये हेडलाइट के लिए लेवल और आइडल स्टार स्टॉप, इसमें भी कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं आती स्टेयरिंग व्हील के लिए, ना ही सीट के लिए। हाइट ऊपर नीचे होती है, सिर्फ बैकरेस्ट होगा। तो इसमें कोई भी चेन नहीं है, सेम नीचे आपको डेड पेडल वगैरह यहाँ पर भी मिसिंग है। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ बारीकी से आप जानकारी हासिल करेंगे ना दोस्तों। जो ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना, यहाँ पर चेंज है। वहाँ पर दो चीज़ें मिल रही थी आपको, ट्रिप के लिए टाइम और दूसरा मिलता है TPMS। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी दिख रहा है, कितने तेल बचा है इसमें, कितना किलोमीटर चलेगा वो, गियर में कौन से में गाड़ी वो भी बताएगी। और ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सेटिंग चेंज हो जाती है, ये हो गया TPMS आपका। और यहाँ पर देखिए ट्रिप टाइम, और साथ में अलग से टाइम बता रही है, 2:12 दिखा रही है जो AM के। हालांकि आप नीचे वाले बटन से सेट कर सकते हैं, गलत बता रही है कौन सा डोर ओपन वगैरह हो रखा है, ये जानकारी मिलती है आपको। तो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं जो कि B6 में नहीं मिलेंगे, B6 ऑप्शन में मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ तो है देखिए दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस टू एम्प्टी बहुत जरूरी हो जाता है, कई बार हम ध्यान नहीं कर पाते। हालांकि आपको लो फ्यूल की वार्निंग हाजिर मिलती है, जो भी मिल रही है ये येलो कलर का जो फ्यूल पंप छपा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार धोखा लग जाता है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम में आता है ये। बाकी एयरबैग दो ही मिलेंगे, एक स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, एक वहाँ डैशबोर्ड पे है। सेम म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, सेम AC मिलता है, सेम 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है, सेम ये बटन वगैरह मिलते हैं। जो IRV हम मैनुअली डे नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों गाड़ियों में। और आप देख रहे हैं ये भी बिल्कुल सेम टू सेम जो सनवाइजर है, कोई फर्क नहीं है। ब्लूटूथ के लिए माइक रहेगा, सिंगल लाइट आपको यहाँ मिलती है, वहाँ पर भी सिंगल मिल रही थी। तो बड़ी बारीकी से जब कंपैरिजन करेंगे तभी आइडिया निकल के आता है दोस्तों कि 48,000 रुपये में एक्स्ट्रा आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है क्या है B6 के मुकाबले। तो एक तो स्टार्टिंग बेंडिंग लाइट मिलती है यहाँ पर, ये वाला बल्ब जो है, ये आप हिली एरिया वगैरह में गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, यहाँ जहाँ पर शार्प टर्न वगैरह ज़्यादा है तो वहाँ पर काम आएंगे आपके। पीछे वाइपर वाशर मिलता है आपको, बाहर से बात करें तो यही फ़र्क है, अंदर की बात करें तो जो ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो अलग मिलेगा आपको, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है वो टॉप वेरिएंट में B6 के मुकाबले। तो इस प्रकार से कंपेयर वीडियो रहेगा दोस्तों। यदि फिर भी आपको लगती है कोई जानकारी मैंने मिस कर दी है, मैं एक बार इंजन स्पेसिफिकेशन और बता देता हूँ। इसमें मिलता है आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो 75 BHP पावर बनाता है और 210 Nm की टॉर्क रहेगी। 60 लीटर का इसमें डीजल का टैंक मिलता है आपको और 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी। तो ये इसकी छोटी मोटी जानकारी है, कुछ आपकी स्क्रीन के माध्यम से मैं स्टार्टिंग में शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।